Dear student, today we are going to start the chapter number 11. The name of the chapter is The Night with the Wolf. This is written by Bayard Taylor. Today we are going to explain this chapter. We have to be careful, and I sure that you will get the enjoy after listening the explanation. In this poem, a father is telling a story of his previous days, olden time. यानी कि एक फादर जो है अपने बच्चे को एक कहानी सुना रहा है कि बेटा मेरे पास आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ. और वो कह रहा है कि अगर मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ तो उसके बदले आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? वो आपको एक किस देना पड़ेगा, एक चुंबन देना पड़ेगा. ऐसा एक पिता अपने बच्चे से बोल रहे हैं. तो देखते हैं फर्स्ट लाइन में क्या है. लिटिल वन कम टू माई नी. नी का मतलब होता है घुटना, लेकिन यहाँ पर गोद से मतलब है कि छोटे बच्चे आओ मेरी गोद में बैठ जाओ. हार्क हाउ द रेन इज पोरिंग. कितनी तेज बरसात हो रही है. ओवर द रूफ इन द पिच डार्क नाइट. पिच डार्क नाइट बहुत ही घनघोर अंधेरी रात. और छत पर इतनी तेज बरसा हो रही है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा भरा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है. एंड द बेंड्स इन द बुड्स आर रोरिंग. बुड्स है जंगल के लिए रोरिंग, शेर की तरह दहाड़ रही है. बरसात जो है हो रही है, साथ ही साथ तेज हवा चल रही है. और तेज हवा चलने से ऐसा लग रहा है जैसे शेर की तरह हवा दहाड़ना चाह रही हो. हश माय डार्लिंग एंड लिसन. चुपचाप बैठ जाओ मेरे प्रिय बेटे और मेरी बात को ध्यान से सुनो. देन पे फॉर द स्टोरी विद किसेस. मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको और कहानी के बदले आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा, और वो देना पड़ेगा वो होगा आपका चुंबन, आपका किस. तो फादर वॉज लॉस्ट इन द पिच ब्लैक नाइट. वो बता रहे हैं बेटा एक बार तुम्हारे पिताजी यानी कि कभी खुद एक जंगल में खो गया था. उस समय घनघोर रात थी, अंधेरा छाया हुआ था. इन जस्ट सच ए स्टॉर्म एज दिस इज. और आज की तरह ही तूफान, आंधी, बरसात सब कुछ था. ऐसा वो बच्चे को बता रहे हैं. हाई ऑन द लोनली माउंटेन. लोनली का मतलब होता है अकेले. माउंटेन पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर मैं अकेला था. वेयर द वाइल्ड मैन वॉचिज एंड वेटेड. वॉचिज एंड वेटेड का मतलब है कुछ जंगली जानवर इंतजार करते हैं. किस चीज़ का? किस चीज़ को देखते रहते हैं ताकि कोई आए और वो उसको अपना शिकार बना सकें, लूट सकें. तो कह रहे हैं कि अंधेरा छाया हुआ था, बरसात का मौसम था, तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रही थी, तूफान आया हुआ था और मैं अकेला पहाड़ों पर जंगलों में घूम रहा था. और वहाँ पर जंगली आदमी जो आदिवासी लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कोई उनका वहाँ पर आए और उसको वो शिकार बना सकें. वॉल्व्स इन द फॉरेस्ट. साथ ही साथ भेड़िए भी थे जंगल में. एंड बियर्स इन द बुश. और जो झाड़ी थी उनमें भालू भी छुपे हुए थे. एंड आई ऑन माई पाथ विलेटेड. मुझे देर हो चुकी थी. बिलेटेड का मतलब होता है देर होना. मुझे हो चुकी थी देर इस वजह से मैं अकेला ही रह गया था और अपने रास्ते पर घर आने की तैयारी कर रहा था. द रेन एंड द नाइट टुगेदर. बरसात तो हो ही रही थी, साथ साथ रात भी हो गई. केम डाउन एंड द बेंड केम आफ्टर. और उसके बाद हवा तेज चलना शुरू हो गई. तो सारी तरह से मौसम बहुत बिगड़ चुका है. कभी ये बताना चाह रहा है पुरानी कहानी अपनी, पुराने किसी दिनों के समय की ये कहानी अपने बच्चे को सुना रहा है. बेंडिंग द प्रॉप्स ऑफ द पाइन ट्री रूफ. अब कभी बता रहा है कि वहाँ पर जो पाइन चीड़ के वृक्ष हैं वो नीचे को झुक गए हैं आंधी तूफान से. और प्रॉप्स का मतलब होता है सहारा ढूंढना. मैं उन्हीं का सहारा ढूंढे हुए हूँ, मैं उन्हीं में छिप रहा हूँ. एंड स्नैपिंग मैनी आप ए राफ्टर. राफ्टर का मतलब यहाँ पर वैसे तो और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है शाखाओं से है, टहनियों से. एंड स्नैपिंग मैनी ए राफ्टर. और बहुत सारी जो है टहनियाँ तोड़ दी हैं उस तेज हवा ने. आई क्रैप्ड अलोंग इन द डार्कनेस. मैं अकेला ही उस अंधेरे में चलता चला जा रहा हूँ. स्टंड एंड ब्रश्ड एंड ब्लाइंडेड. आश्चर्य में हूँ कि क्या होगा. ब्रश्ड एंड ब्लाइंड. और मेरे कांटे छिद गए हैं, चोट लग गई है
और मैं अंधा हो चुका हूँ। अंधे का मतलब वास्तव में अंधा नहीं हो गया, लेकिन अंधेरे में देख नहीं रहा है, इसलिए वो अपने आप को अंधा बोल रहा है। क्रेप्ट टू द फर विद थिक सेट वोज, वोज का मतलब शाखा होता है, फर भी एक तरह का जो है वृक्ष होता है, तो कह रहे हैं कि मैं पेड़ों के अंदर पेड़ों के नीचे छिपता चला जा रहा हूँ। मोटे मोटे पेड़ हैं, उनकी शाखाएँ टूट टूट के गिर रही हैं, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से चल रहा हूँ। एंड सेल्टरिंग रॉक बिहाइंड इट, और इन पेड़ों के पीछे एक चट्टान दिखाई देती है मुझे, जहाँ पर मैं शरण ले सकता हूँ, ऐसा मुझको लगा। देयर फ्रॉम द ब्लोइंग एंड रेनिंग, चूँकि वर्षा खूब हो रही है, हवा भी खूब तेज चल रही है, क्राउचिंग आई शाउट टू हाइड मी, अब मैं सुकड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। तो मैंने जाकर जब मुझको वो चट्टान मिल जाती है जहाँ मुझे लगता है कि इसमें शेल्टर मिल सकता है, इसके अंदर मैं रुक सकता हूँ, इसके पास में रुक सकता हूँ, तो मैं वहीं पर साइड में हो लेता हूँ और वहाँ उसमें छिपने की कोशिश करता हूँ। समथिंग रस्टल्ड टू ग्रीन आई सोन, जब मैं वहाँ छिपा होता हूँ चट्टान के सहारे, चट्टान के अंदर, तो देखता क्या हूँ कि वहाँ पर कुछ मुझे हरी हरी आंखें दिखाई देती हैं। एंड ए वुल्फ ले डाउन बिसाइड मी, और ध्यान से जब मैं देखा तो वो भेड़िया था, भेड़िया मेरे पास लेटा हुआ था। लिटिल वन बी नॉट फ्राइटेंड, अब अपने बच्चों को कहते हैं बेटा डरना मत, भेड़िया तो जहाँ वहाँ पर है जहाँ पर मैं रुका था, लेकिन तुम डरना मत, कहीं डर जाओ। कहानी सुनते सुनते अब आगे बता रहे, आई एंड द वुल्फ टूगेदर, मैं और वो भेड़िया साथ साथ बैठ गए, साइड बाई साइड थ्रू द लॉन्ग लॉन्ग नाइट, और पूरी लंबी रात तक बैठे रहे दोनों पास पास में, भेड़िया और पोइट दोनों ही पास पास में बैठे रहे। हिड फ्रॉम द ऑफुल वेदर, क्योंकि मौसम बहुत डरावना था, ऑफुल का मतलब है डरावना, वेदर मौसम, बहुत डरावना मौसम था और उससे छिपने के लिए जगह चाहिए थी। हिज बैट फर प्रेस्ड अगेंस्ट मी, और जो भेड़िया वहाँ पर बैठा हुआ था उसके ऊपर के जो फर हैं, बाल टाइप के हैं, रोए हैं, वो भीगे हुए हैं, और इसका एहसास कभी को इसलिए होता है कि वो इतना पास में बैठा हुआ है पोइट के कि वो उससे टकरा रहा है, उसके शरीर को टच कर रहा है। ईच ऑफ अस वार्म्ड द अदर, हम दोनों ने एक दूसरे को गर्मी दी, गर्मी देने का मतलब है एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, तो एक दूसरे के जो शरीर की जो है गर्मी थी वो एक दूसरे को राहत दे रही थी। ईच ऑफ अस फेल्ट इन द स्टॉर्मी डार्क, हम दोनों को पता था कि तूफानी रात है, कहीं जा नहीं सकते इस चट्टान से निकल कर। द बीस्ट एंड द मैन वर ब्रदर, और आज ऐसा लग रहा था जैसे एक जानवर, जंगली जानवर और एक आदमी दोनों ही दोस्त बन गए हों, सॉरी भाई बन गए हों। एंड व्हेन द फॉलिंग फॉरेस्ट नो लॉन्गर क्रैश्ड इन द वार्निंग, ईच ऑफ अस बेंट फ्रॉम अवर हाइडिंग प्लेस, फिर क्या होता है, फिर पूरी रात गुजर जाती है और तूफान रुक जाता है, लकड़ी जो टूट रही थी, शाखाएं जो टूट रही थी पेड़ों की, वो अब टूटना बंद हो गई हैं। ईच ऑफ अस बेंट, तो हम दोनों ही लोग अपने अपने जगह को वहाँ से निकल के चले जाते हैं। फोर्थ इन द वाइल्ड बेट मॉर्निंग, और ये बहुत ही नमीदार सुबह थी। डार्लिंग किस मी इन पेमेंट, तो बोल रहे हैं पिताजी अपने बच्चे से कि बेटा मैंने एक तुमको कहानी सुना दी जो मेरे जीवन में कभी गुजरी थी, अब कहानी आपने सुन ली है, इसके बदले मैंने आपसे बोला था कि आपको किस देना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे मुझे आप किस दो, मुझे चुंबन करो। हार्क हाउ द बैंड इज रोरिंग, और बेटा देखो आज भी कितनी आश्चर्य की बात है, सेम दिन जैसा उस दिन था वैसा ही आज है, लेकिन आज आप पापा के घर पर बैठे हो, फादर्स हाउस द बेटर प्लेस, और ध्यान रखो पापा के घर से सुरक्षित जगह कहीं नहीं है। व्हेन द स्टॉर्मी रेन इज पोरिंग, जब भारी बरसात हो रही हो तो पापा का घर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। दैट्स ऑल।